जैसे कि देखिए यहाँ पे जो सामान जो पैकिंग हो रहा है, साड़ी है, लुंगी है, बच्चों का कपड़ा है, और ये सामान वगैरह जो है अभी ये लोग आ रहे हैं। ये लोग जो है काफ़ी मेहनत में लगे हुए हैं, आप जैसा कि नज़र आ रहा होगा आपको। और ये लोग जो है कल जो यस का तूफ़ान का सामान जाने वाला है बोर्डिंग रिसोर्ट में, कलकत्ता खिलाफत कमेटी की तरफ से तमाम तैयारी की जा रही है। यहाँ पे गाड़ी के गाड़ी सामान आया है, अभी आप आगे भी हम बात करवाएंगे। आज कलकत्ता खिलाफत कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया बोर्डिंग रिसोर्ट में, जो कि 100 साल पुराना कलकत्ता खिलाफत कमेटी है। ये जो है रिलीफ का सामान जो यस तूफ़ान आया था उसी के सिलसिले के कड़ी में यहाँ पे जो है बहुत सा सामान वगैरह पैकिंग करवाया गया। ये जो सामान है कल जो है यहाँ से लेके रिलीफ का सामान सब निकलेंगे। कलकत्ता खिलाफत कमेटी के न्यू प्रेसिडेंट जनाब जावेद अहमद खान, जो कि यहाँ के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और एक काफ़ी नामी गिरामी शख्सियत शामिल है, जो कलकत्ता खिलाफत कमेटी जो 100 साल पुराना कमेटी था वो फिर से मुतरक हो गई है। और आज जो है इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये लोग क्या क्या काम करते हैं, आपको इसी तरह और आगे भी दिखाते रहेंगे। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV, कोलकाता न्यूज़। ये देखिए, हम लोग पहले शुक्रिया मैं अदा करूँगा खिलाफत कमेटी के तमाम मेम्बरों को, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि सदर बनाया है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कलकत्ता के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि खिलाफत जैसी एक क्या नाम है इदारे को मेरे सुपुर्द किया है, और मैं उसका काम करने की कोशिश करूँगा। बाकी रहा ये देख रहे हैं हम लोग 1000 लोगों के लिए सुंदरबन में, जो अभी आप तूफान जो आश बोलते हैं कि जोश बोलते हैं, जो भी बोलिए ये आश बोलिए, उसमें जो लोग अफेक्टेड हुए हैं उनके पास सरकार तो खड़ी हुई है, सरकार काम कर रही है, लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सरकार का हाथ बटाए दें, मदद कर दें। इसीलिए हम लोग 1000 फैमिली के लिए हम लोग यहाँ से रिलीफ का सामान लेके जा रहे हैं। एक पैकेट में हम लोग दिया है खाने का सामान, जिसमें चावल है, जिसमें आटा है, जिसमें तेल है सरसों का, जिसमें आलू है, जिसमें और भी सामान है। दूसरा पैकेट में हम लोगों ने दिया है साड़ी है, धोती है, क्या नाम बच्चे का कपड़ा है, चादर है, और एक तिरपाल भी दिया है जिनका घर टूट गया है, जिनका घर उड़ गया है, पानी और से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए उनके लिए भी हम लोगों ने किया। ये 1000 फैमिली के लिए पाथर प्रतिमा हम लोगों ने क्या नाम है सेलेक्ट इसलिए किया है कि रिमोट कॉर्नर, इसके बाद बांग्लादेश है, यहाँ रिमोट कॉर्नर में हम लोग रिलीफ देने जा रहे हैं। और इस रिलीफ में मेरे ख्याल से कुछ लोगों को हम लोग सबके क्या नाम है तक नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग कुछ सहारा बन सकेंगे। खिलाफत कमेटी और भी मतलब इसी हिसाब से और भी आगे काम करेंगे? खिलाफत कमेटी तो यही काम करती है, पब्लिसिटी नहीं होता है, आप पब्लिसिटी होगी। हम लोग को ये मैं एहसास हुआ है कि क्या नाम खिलाफत कमेटी इतना काम करने के बाद भी किसी के नज़र में नहीं आ रही, तो खिलाफत कमेटी को आप पब्लिक के नज़र में लाने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छे कामों के ज़रिए। ये जो यास और कोविड के जो एक वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है, तो सुंदरबन के इलाके में हम लोग जा रहे हैं तकरीबन 1000 फैमिली को रिलीफ का सामान पहुंचाने के लिए। जी, और इस रिलीफ के सामान में क्या क्या है? इसके अंदर में जैसे अनाज है, चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, और आलू हो गया, तो इस तरह के और भी सामान जो है जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए है, और कपड़ा भी है, कपड़ा है, धोती है, और साड़ी है ना, ये सारी चीज़ है, और तिरपाल भी है। खिलाफत कमेटी काफ़ी दिनों के बाद मोतरे मतलब नियर अबाउट 50 साल के बाद इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप क्या आगे क्या पैगाम देना चाहते हैं? आगे पैगाम ये देना चाहते हैं कि कभी ये डिफंक्ट नहीं हुआ था, ये प्रोसेस स्लो हो गया था ज़रूर, लेकिन ये डिफंक्ट नहीं हुआ, और इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। देखिए, खिलाफत कमेटी जो है वो हर कोई भी ऐसा, ये 1964 के राइट में खिलाफत ने बहुत अच्छा काम किया, बीच का पीरियड जो है हम समझते हैं, जानते हैं कि ये ज़रूर हम लोग बहुत धीमे हो गए थे, अब उसके अंदर में हम लोगों के अंदर में क़ुव्वत आ रहा है और वो काम करेंगे। ये सुंदरबन के इलाके में जा रहा है, तो ये आप लोगों ने कैसे सोचा कि यस तूफान में इस तरह काम किया जाए? देखिए, ऐसा है कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी का हमेशा से ये मोटो रहा है कि जो लोग परेशान हैं उनके परेशानी को ख़त्म करने के लिए रिलीफ का काम किया जाए, और हमेशा से कलकत्ता खिलाफत कमेटी जो है रिलीफ का काम करती आई है। इस बार जो है बड़े पैमाने पर जो है इस काम को किया जा रहा है,
और तकरीबन 1000 आदमी के लिए रिलीफ का सामान लेकर के कल जो है सुबह 9 बजे हमारी टीम जो है सुंदरबन के इलाके में जा रही है। आप लोग आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम करते रहिएगा क्या? इंशाल्लाह जरूर, हमेशा करते रहेंगे इसको। ये खिलाफत कमेटी का एक अपना मुकाम है, अपना एक नाम है और हमेशा से करते आई, लेकिन बड़ी धीमी रफ्तार से हम लोग चल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जावेद अहमद खान के सदर बनने के बाद से थोड़ी तेज़ी आई है। और हम लोग कभी पब्लिसिटी नहीं चाहते थे, लेकिन अब थोड़ा सा पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि खिलाफत कमेटी काम कर रही है। और इसका मकसद ये है कि 1000 फैमिली को इससे फ़ायदा पहुँचे, यही बस यही अपना मकसद है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू JKV कोलकाता न्यूज़। थैंक यू।